नवरात्रि की प्राचीन कथा सुनने मात्र से दशों दिशाओं से आएगी माता अष्टलक्ष्मी आपके घर। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। वर्ष में चार बार नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि होती है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक रहती है। उसके बाद जो नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी नवरात्रि आती है वो आश्विन माह यानी कुवार महीना जो आता है उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक नवरात्रि कहलाती है। इसके बाद एक और नवरात्रि आती है जो पौष मास में आती है, उसे शाकंभरी नवरात्रि कहा जाता है। और उसके बाद गुप्त नवरात्रि जो कि माघ माह में आती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार वैसे तो मान्यताओं के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार चार नवरात्रि ही होती है, दो गुप्त नवरात्रि और दो प्रकट नवरात्रि होती है। लेकिन कुछ शास्त्रों की माने तो एक शाकंभरी नवरात्रि भी आती है जो पौष माह में आती है। इस प्रकार कुल पांच नवरात्रि पूरे वर्ष में आती है। लेकिन जो आश्विन माह यानी कुवार माह की जो नवरात्रि होती है जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि चातुर्मास के दौरान यह नवरात्रि आती है। और इस नवरात्रि में माँ जगदम्बा के सौम्य स्वरूप दुर्गा की पूजा की जाती है। सभी अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं एवं जवारे की स्थापना करते हैं तथा माँ जगदम्बा के अनुष्ठान करते हैं और पूरे 9 दिन तक व्रत रख करके कन्या भोजन करवाते हैं और सभी प्रकार से नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। लेकिन माँ कहती है कि आप पूरी श्रद्धा निष्ठा तथा भक्ति के साथ जो भी करेंगे उसे मैं स्वीकार करूँगी। माँ जो है दयालु है, कृपालु है, उनकी कृपा जिन भक्तों के ऊपर होती है उनका जीवन निहाल हो जाता है, यानी उनके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ के बारे में ऐसा कहा गया है कि कुपुत्र जाये तत् क्वचिदपि कुमाता न भवती, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए आप जो भी श्रद्धा भक्ति एवं भावना के साथ उनके निमित्त पूजा पाठ अर्चना करेंगे वो सब आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे तथा आपको प्रत्येक दिन इस दिव्य कथा को भी सुनना चाहिए, क्योंकि यदि आप कथा को श्रवण नहीं करेंगे तो आपकी पूजा पाठ जो आराधना है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस दिव्य कथा को प्रत्येक 9 दिन तक लगातार आपको प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। आप चाहें तो इस कथा को सुबह और शाम दोनों समय सुन सकते हैं। यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम के समय भी इस कथा को सुन सकते हैं, लेकिन सुनना जरूर है। प्रत्येक 9 दिन तक इस कथा को जो कोई भी सुनता है या सुनाता है उसको नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी यदि कुछ पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है तो भी उसके ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा होगी। दुर्गा सप्तशती में माँ का त्रिगुणात्मक स्वरूप बताया गया है। त्रिगुणात्मक स्वरूप का अर्थ होता है माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन तीनों देवियों की संयुक्त आराधना का महापर्व होता है नवरात्रि। और नवरात्रि में वैसे तो 9 देवियों की अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, और यदि आप चाहें तो तीनों के संयुक्त रूप महाकाली जो कि शत्रुओं का विनाश करने वाली, रोगों को नष्ट करने वाली, सारी बुराइयों का अंत करने वाली है, वहीं माता महालक्ष्मी जो कि समस्त वैभव प्रदान करने वाली है और दशों दिशाओं से उनकी कृपा से 8 प्रकार की लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है, वही माता महासरस्वती जो कि विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है,
उनके माध्यम से ही हमारे जीवन चक्र का यह संसार चलता है, क्योंकि बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए सबसे पहले यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो बुद्धि और ज्ञान की होती है। जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वही कर्म करेगा और कर्म करके धनोपार्जन करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पाएगा। तो तीनों देवियों की कृपा होना हमारे ऊपर आवश्यक होता है। अब हम आपको नवरात्रि की प्राचीन एवं दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में कथा को नहीं छोड़ना है, पूरी अंत तक आपको लगातार इसको सुनना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का आप प्रयास करना, जिससे आपको भी अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकेगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये शततम नमः। नमः प्रकृते भद्राये निहितः प्रणतास्मताम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते। भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। सब मिल बोलो जय माता दी। बच्चे बोले जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता दी। सभी एक साथ एक स्वर में बोलिएगा जय माता दी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। सिद्धेश्वरी माता की जय। प्राचीन काल में स्वारोचिस नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे और उनके ऊपर कोला ध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सुरथ ने अपने विपक्षियों के साथ भीषण संग्राम किया, परंतु विरोधियों द्वारा पराजित हो गए और अपनी राजधानी में वापस लौट आए। उनका सैन्य बल क्षीण हो चुका था। उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रच करके सुरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया था। राजा अकेले ही अश्वारूढ़ होकर के मृगया यानी शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंच करके राजा सुरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। आश्रम में आए हुए राजा सुरत की मुनि ने आव भगत की। राजा सुरथ मुनि के आश्रम में ही रहने लगे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देख करके राजा ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन है। वैश्य ने राजा से कहा कि राजन, मैं एक संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, परंतु इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वैश्य की बात को सुनकर के राजा ने उससे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लालचा के कारण या धन के लोभ के कारण आपको घर से निकाल दिया है, उन स्वार्थ परायण स्वजनों के ऊपर आपकी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है। वह वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित है, फिर भी मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। अपने प्रश्नों का समाधान पाने के लिए सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र स्त्री और सेवकों द्वारा त्याग दिया गया है, फिर भी हम दोनों अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह से ग्रस्त है। हे महाभाग, ऐसा क्यों हो रहा है। राजा की बात को सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजन,
जगन नियंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींच करके मोह सागर में डाल करके मोहग्रस्त कर देती है। इतना सुनकर के राजा ने प्रश्न किया कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे देवी कौन सी है? हे ब्रह्मन, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है? उनके क्या क्या चरित्र है? हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऐसा सुनकर के ऋषि ने कहा कि हे राजन, उन देवी का वास्तव और नित्य सनातन स्वरूप है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है। प्रलय काल में जब भगवान विष्णु शेष शय्या पर योग निद्रा अभिभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मेल से दो भीषण दानवों मधु और कैटभ की उत्पत्ति हुई, यानी दो राक्षस उनके कान से निकले। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटभ। जन्म लेने के तत्काल बाद ही दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर विराजमान थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देख करके उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। उससे वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निर्गत होकर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों पराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। दोनों महापराक्रमी दानव थे, परंतु उन्हें जीत नहीं सके। तब महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। इस प्रकार उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर के भगवान विष्णु से कहा कि हम लोग आपकी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हम लोगों से अपना इच्छित वरदान मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर के भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूं कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। तब ऋषि ने कहा कि जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर के समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल यानी जल विहीन भूमि में करो। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी को मधु तथा केटब से मुक्ति मिली और भगवान विष्णु को विजयश्री की प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्रथम अध्याय की यह कथा संपन्न होती है। इसके बाद दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। ऋषि ने कहा कि एक बार देवताओं और दानवों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उस युद्ध में देवों को पराजित करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर के उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। देवताओं ने भगवान से कहा कि हे भगवान, महिषासुर ने सभी देवताओं से उनका अधिकार छीन लिया है। उस पापात्मा ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं, आपके शरण में आए हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना को सुनकर के भगवान विष्णु और शिवजी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी लगातार तेज निकल रहा था। उसके पश्चात वह तेज पुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में प्रकट हो गया, यानी संपूर्ण जो तेज एकत्रित हुआ था वह एक देवी के रूप में बन गया। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देख करके देवगण अत्यंत प्रमुदित यानी प्रसन्न हुए।
सभी ने अपने शस्त्र अस्त्र तथा रत्न आदि उनको अर्पित करके भगवती सिंहना वाहिनी का जयनाद किया। उस पर सभी देवताओं ने बड़ा उत्सव मनाया और मां जगदम्बे की जय जयकार कर दी। उसी समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी के भयंकर गर्जना को लक्ष्य करके उसी दिशा में दौड़ पड़ा। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दानव और देवी आपस में जो है युद्ध करने लगे। जिस प्रकार तृण समूह को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार मां जगदम्बा ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला और सारे दानवों को मार डाला। इस प्रकार दूसरे अध्याय की कथा का समापन होता है एवं तीसरे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। दानवी सेना का विनाश होते देख करके सेनापति चक्षुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ करके खड़ा हो गया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने त्रिशूल को देवी की ओर फेंका, परंतु देवी के त्रिशूल से टकरा करके उस दानव का जो त्रिशूल था वह 100 भागों में टूट करके बिखर गया और देवी के चलाए हुए त्रिशूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। अपनी सेना का क्षय होते हुए देख करके महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। इस प्रकार तीसरे अध्याय की कथा का समापन होता है एवं चौथे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। जब दुरात्मा दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्र आदि सारे देवता भूमि पर मस्तक टेक करके मां दुर्गा जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबों का कल्याण करें। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके अंश से ही हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप है। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत आव्याकृता प्रकृति है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदादि जो भी शस्त्र या अस्त्र है उन सभी के द्वारा आप हमारी रक्षा करें। इस तरह जगत की माता ने समस्त देवगणों ने जब स्तुति की तो उनको आशीर्वाद दिया और सभी देवताओं ने दिव्य पुष्प, चंदन, गंध आदि से मां जगदम्बा की विशेष पूजा अर्चना की। देवी ने कहा कि हे देवगण, आप लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर के उन सभी देवताओं ने कहा कि हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आपका दर्शन हो जाए और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। हे अंबिके, जो भी कोई आपका गुणगान करे उसे आप धन धान्य, स्त्री, पुत्र, पौत्र और सारी संपत्तियों से युक्त कर दो तथा हम लोगों पर सदा ही आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस प्रकार चौथे अध्याय की कथा का समापन होता है एवं पांचवें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। ऋषि आगे कहते हैं कि प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर के इंद्रासन को अपने आदिनस्त कर लिया। इससे दुखी होकर सारे देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। सभी देवता एक साथ कहते हैं कि हे जगदम्बा, हे पराम्बा, आपको बारंबार नमस्कार है। महादेवी शिवा को हम सभी प्रणाम करते हैं। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगत जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रोद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को हम सभी का बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र स्वरूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी की हम सतत वंदना करते हैं।
शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी, वृद्धिकारी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। देवताओं द्वारा जिस समय वहां स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहां गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया था। भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहां पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब पार्वती जी के शरीर कोष से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देवता युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया था, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के अनुचर चंड मुंड ने आकर के परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर के कहा कि महाराज, हमने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को देखा है। आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। चंड मुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर के शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर के शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहां देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन कहे। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, दैत्यराज शुंभ ने जो संदेश मुझसे कहलवाया है उसे ध्यान से सुनिए। हे देवी, हम लोग आपको जो है नारियों में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर के भगवती दुर्गा मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली, हे दूत, इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी प्राणी मुझे समर में यानी युद्ध में पराजित करेगा उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। ऐसा मेरा ही संकल्प है, इसलिए यहां शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वरण कर सकती हूं। देवी की बात सुनकर के दूत ने कहा कि हे देवी, इस विश्व में ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने का सामर्थ्य रखता हो, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको जबरदस्ती तुमको यहां से ले जाना पड़ेगा। दूत की बात सुनकर के देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूं, इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बात समझा कर आओ और उनसे कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेंगे। इस प्रकार पांचवें अध्याय की कथा का समापन होता है तथा छठे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। ऋषि ने कहा कि दूत से ऐसी बात सुनकर के दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केश पकड़ करके घसीटते हुए बलपूर्वक यहां पर लेकर आओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो उसका वध कर डालना। तब ऋषि कहते हैं कि धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ उसी समय वहां से चल पड़ा। देवी ने हुम शब्द का उच्चारण करके उस दानव को वहीं पर ढेर कर दिया और देवी के वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण राक्षसों की सेना का विध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया है तो उसने चंड मुंड नामक दो महाबलशाली दानवों को आदेश दिया कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर के उसे बांध लो और उस नारी को घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। इस प्रकार छठे अध्याय की कथा का समापन होता है। अब सातवें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। ऋषि कहते हैं कि शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंड मुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ
अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के देवी के पास चल पड़े और देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उनके ऊपर टूट पड़ी। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई और क्रोधानल के धड़कते से उनकी मुखाकृति काली पड़ गई, उनकी भौंवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। वे कालिका देवी मुख्य मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी, उन सभी को अपना लक्ष्य बनाने लगी। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देख करके चंड वेग पूर्वक काली की ओर तेजी से लपक पड़ा। तब देवी ने हुम शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का जो है सफाया कर दिया। चंड का वध होते ही उसकी मृत्यु होते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर के भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी कि हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को मार गिराया है और तुम्हें भेंट करने आई हूं। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। चंड मुंड का सिर देख करके चंडी देवी काली से मधुर वचनों से बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित कर दिया है। अब मैं विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार सातवें अध्याय की कथा का समापन यहां पर होगा और आठवें अध्याय की कथा प्रारंभ होगी। ऋषि कहने लगे, चंड मुंड की मृत्यु का समाचार पाकर के दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। सबको आदेश देकर के हजारों बड़े बड़े दानव समूह के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल राक्षसों की सेना को उन्मुख होते देख करके देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। संपूर्ण देव शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी चंडिका से कहा कि अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के सारे शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने शिव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बन करके जाइए और उसके साथियों से मेरा संदेशा कहिए। हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ। देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिव दूती के नाम से विख्यात है। शिव जी के मुख से देवी की ऐसी बात सुनकर के दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी देवी की ओर झपट पड़े। मां जगदम्बा देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा भेजे गए बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज में ही काट गिराया। उसके बाद काली आगे बढ़ करके अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देख करके महादैत्य रक्त बीज क्रोधित होकर के समर भूमि में आ पहुंचे। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरने लगी और उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। उस दानव से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। तब चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे, तुम अपने मुख का अधिक से अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो, यानी जितने भी ये दैत्य इसके रक्त से पैदा हो रहे हैं उनको तुम लगातार खाती जाओ। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज का प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे मां काली देवी ने अपने मुंह में भर लिया। अंततो गत्वा उन्होंने उस रक्त बीज दानव का पूरा
रक्त यानी खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्त बीज को अपने वज्र बाण खड्ग ऋष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया और उसका वध हो गया। इस प्रकार आठवें अध्याय की कथा का समापन होता है और नवे अध्याय की कथा शुरू होती है। युद्ध में रक्त बीज तथा अन्यान्य असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का जो है पारा लगातार चढ़ रहा था। विशाल सेना का संहार होते देख करके निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को भूमि पर गिरते देख करके शुंभ क्रोधावेश होकर के मां जगदम्बा देवी की ओर लपका। तब चंडिका देवी ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर आघात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और वह त्रिशूल लेकर के दौड़ा। उसने पहले ही देवी जगदम्बा ने अपने त्रिशूल द्वारा उसके हृदय में वेद कर दिया और उस शूलाघात से छाती छित्ते ही उसी के समान भीमाकाय आकृति वाला दानव उसके वक्ष से उसके हृदय से प्रकट हो गया। उस नए दानव को देख करके देवी जगदम्बा जोर जोर से अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उस नए दानव का मस्तक काट डाला। वह दैत्य शुंभ निशुंभ वहीं भूमि पर गिर करके शांत हो गया। इस प्रकार नवे अध्याय की कथा का समापन होता है। अब दसवें अध्याय की कथा यहां से प्रारंभ होती है। अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देख करके शुंभ ने क्रोधाविष्ट होकर के कहा, हे दुर्गे, तू अपने बल पर घमंड न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर के लड़ रही है। शुंभ के उत्तर में देवी जगदम्बा ने कहा कि अरे दुष्ट, मुझे तू केवल अकेली मत समझ, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समग्र देवियां अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई। तब उस स्थान पर केवल अंबिका रह गई। वहां उपस्थित देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी में द्वंद युद्ध हुआ। देवी ने शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से क्षण मात्र में ही काट गिराया। उसके बाद देवी जगदम्बा ने शुंभ के वक्ष में त्रिशूलाघात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार दसवें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है और ग्यारहवें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्नि देव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं ने कहा कि शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। संपूर्ण विश्व की जननी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। हे देवी, आप ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी हो। विश्व की पीड़ा निवारणी, हे देवी, हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। त्रिलोक के वासियों की आराध्या परमेश्वरी, हम लोगों को आप वरदान दीजिए। तब देवी ने कहा कि देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, आप इसी तरह त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहें और हमारे शत्रुओं का सदैव विनाश करती रहें। इतना सुनकर के देवो वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक दो अन्य दानवों का प्रागट्य होगा। उस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर के विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अनंतर में पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर के वैप्रचित्त नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण भक्तगण मुझे रक्त दंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब संपूर्ण पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर
अयुन्योनिजा नाम से प्रकट हो जाऊंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों के शत नेत्रों से देखूंगी, तब सभी मानव शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। हे देवो, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। इस कारण पृथ्वी में मेरा नाम शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात होगा। इस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी, इसलिए मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बन करके मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगा। और इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोकों की रक्षा के लिए षटपाद युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण करके दुष्ट शक्तियों का संहार करूंगी। इस प्रकार 11वें अध्याय की कथा का यहां पर समापन होता है और 12वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। देवी ने समस्त देवताओं से कहा कि हे देवो, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरी इस कथा को स्थिर चित्त होकर के सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां कभी नहीं आएगी और उसके घर में कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी, और न ही उसके घर के प्रियजनों से जो है उसको बिछोह सहन करना पड़ेगा। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजन या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। नवरात्रि में जो प्राणी मेरे इस महात्म को भक्ति भाव से प्रतिदिन सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूट करके धन, धान्य, वैभव, संपत्ति, पुत्र आदि से संपन्न हो जाएगा। इस महात्म के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से मानव भय मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 12वें अध्याय की कथा का यहां पर समापन होता है और 13वें अध्याय की कथा यहां से प्रारंभ होती है। मेधा ऋषि से देवी की यह कथा सुनकर के राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर मां भगवती पराम्बा जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। उन दोनों ने भयंकर कठोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के मां जगदम्बा भगवती जगज्जननी चंडिका के रूप में प्रकट हो गई और कहा कि हे राजन, आप और आपका यह कठोर तप देख करके मैं प्रसन्न हूं, आप जो चाहे वरदान मांग लो। राजा ने देवी की बात सुनकर के पुनर्जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान उनसे प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान था, उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा कि हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। और उस वैश्य से मां जगदम्बा ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है, उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडे जी ने कहा कि उन दोनों भक्तों की अभिलाषा वरदान के माध्यम से पूरी हो गई और उन दोनों के द्वारा भगवती
जगदम्बा परम्बा की स्तुति की गई और जगदम्बा का वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न होकर के भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए और सभी ने मिलकर के देवी की प्रार्थना की। हे समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री, हे सर्व कल्याण स्वरूपिणी, हे समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव की प्रिया, हे नारायणी, हे गौरी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार 13वें अध्याय की कथा का समापन होता है और देवी की नवरात्रि की संपूर्ण कथा का यहीं पर समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भक्तजनों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जगदम्बा का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। जय माता दी लिखिएगा सभी भक्तजन। और इसी प्रकार आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्त लोगों तक पहुँचाइएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। और यदि आपने अभी तक आपके और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।